देश की राजधानी दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण के स्तर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज 376 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है, वहीं पर्टिकुलर मैटर 2.5 दर्ज किया गया है। कल की तुलना में प्रदूषण के स्तर में कमी आई है, लेकिन अभी भी देश की राजधानी दिल्ली का प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। आबो हवा बिल्कुल भी साफ नहीं हुई है और इसका नज़ारा आप देख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त मैं इंडिया गेट पर हूँ और 2 किलोमीटर पर आप देखेंगे कि इंडिया गेट है, लेकिन तस्वीर जिस तरीके से धुंधली नज़र आ रही है, जिस तरीके से साफ नहीं नज़र आ रही है, आसमान नीला नज़र नहीं आ रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि देश की राजधानी में ठंड बढ़ी है। लेकिन ठंड बढ़ने के साथ साथ, सर्दी बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है। हालांकि नवंबर के महीने से दिसंबर के महीने का कंपैरिजन किया है तो प्रदूषण के स्तर में काफ़ी कमी आई है, क्योंकि नवंबर में 400 के पार भी एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया था, लेकिन अभी 350 से ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है। हालांकि इसमें ग्राफ में गिरावट हुई है, लेकिन बेहद ख़राब श्रेणी में अभी भी दिल्ली की वो हवा बनी हुई है। हालांकि अगर ये वजह बताई जा रही थी कि पराली की वजह से दिल्ली का प्रदूषण बढ़ जाता है हर साल, लेकिन एक स्टडी में और विशेषज्ञ द्वारा ये कहा गया है कि दिल्ली का 98% प्रदूषण देश की राजधानी दिल्ली द्वारा ही किया जाता है, यानी कि सिर्फ पराली ही देश की राजधानी दिल्ली के प्रदूषण को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। रोड डस्ट, कूड़ा जलाना और तमाम वो वजह हैं जो दिल्ली के प्रदूषण को हर साल इस कदर बढ़ा देती हैं कि लोगों को दम घेटू हवा में सांस लेना पड़ता है। अगर कल की बात की जाए और आज के आंकड़ों की बात की जाए तो 176 जगह ऐसी दर्ज की गई थी जहां पर पराली जलाई गई थी। हालांकि अगर प्रदूषण की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से सर्दी बढ़ेगी, ठंड हवाओं की गति बढ़ेगी, प्रदूषण के स्तर में कमी देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन गजेंद्र के साथ मैं श्रद्धा चतुर्वेदी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।